नमस्ते, मैं हूं पौलमी दास। और मैं हूं ताहिर शबीर, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। ताहिर, क्या कहना चाहेंगे पेकाटू को? किस तरह की वेब सीरीज है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बेहतरीन वेब सीरीज है, सीजन टू है। एक तो आपने देखी होगी शायद, कियान रॉय वापस आ रहा है एक बड़ी भयानक अंदाज में। उसमें पहले सीजन में आपने देखा होगा कि उसे जेल भेज दिया गया है, अनाइशा और कस्टी ने। तो इस समय, इस सीज़न में वो आता है और विदिता को मिलता है और एक प्लान बनाता है, एक षड्यंत्र रचता है जिससे कि वो जाके उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय और नेस्त तो नाबूद कर देगा। नेस्त तो नाबूद, दैट्स अ हैवी वर्ड। हाँ, आई गेस। विदिता, मैं विदिता की किरदार निभा रही हूँ जो इसकी पार्टनर इन क्राइम है। सो बेसिकली विदिता उसकी एक ऐसी लड़की है जिसके ज़िंदगी में कुछ गोल्स है, कुछ एम्बिशंस है, कुछ डेस्टिनीज है जहाँ पे उसको पहुँचना है। वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन है अपनी चीज़ों को लेके। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। शी इज़ अ हेड टर्नर, शी इज़ अ डीवा विदिता, एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर। शी इज़ ऑलवेज गोना बी द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर ऑफ दिस शो। ये तो मेरा भाई है। हम ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कुछ है, ऑफ स्क्रीन कुछ भाई। बट यू वोंट बिलीव इट, मैं इतना रिलीफ था जब मैंने पहले दिन मैं आया था सेट पे। मैंने बोला ओ, पौलोमी है मेरी कोस्टा, बिकॉज वी हैव सच ग्रेट कमराडरी। हम लोग कई सालों से दोस्त है, ऑलमोस्ट 5 years, एंड वी आर लाइक ब्रोज। मतलब आई थिंक आई एम नॉट सच अ ब्रो विद ताहा एंड अपना तुषार एंड स्मरण, देन आई एम विद हर। मैं ये जो डीवा बन के घूमती रहती हूँ, बिकॉज आई एम जेमिनी, आई थिंक आई हैव टू वर्जन ऑफ मी। वन इज़ लाइक ब्रो कूल चिक, एंड द अदर वन इज़ लाइक एब्सोल्युटली क्लासी बिची व्हाटएवर डीवा। मोर द लैटर। किरदार की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? भाई तो बहुत बहुत एंग्री आदमी है, उसे लगता है, हाँ, एंग्री यंग मैन। उसे बहुत तकलीफ है, बहुत गुस्से में, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसे लगता है कि जो सज़ा उसको मिली सीज़न वन में, कि उसे जेल भेज दिया गया, उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने लगा यार जो भी होता है ज़िंदगी में, अगर तकलीफें होती है तो सॉल्व करो, टांग तोड़ दो, फिगर अब बदला ले लो, पर जेल मत भेजो। सो बिकॉज जेल गया है और जेल में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के साथ, तो नाउ जब उसे जेल से छोड़ा गया है तो ही इज़ कम बैक एंड इज़ लाइक अभी तो उनकी बैंड बजा के ही रहेगा वो। कस्टी और अनाइशा मेनली, और कस्टी और अनाइशा के अलावा जो भी उसके आड़े आएगा उसकी बैंड बजाता है वो। मतलब फुल ब्रेक छोड़ दिए हैं, ब्रेक फेल उसके, बेकाबू उसकी गाड़ी। अरे हाँ, भर भर के। यहाँ आई थिंक इस शो में हर आदमी का ब्रेक फेल हो गया, सब लोग बेकाबू है, सब बेकाबू है, सब एक दूसरे को बेकाबू कर भी रहे हैं। हाँ, आपने क्या स्टंट किया ऐसा कुछ जो आप मतलब बेकाबू की बात करें? स्टंट तो मैंने किया है। मुझे पांचवें वाले से हार्नेस पहन के मुझे कूदने के लिए कहा था, इसने मुझे धक्का दिया था, इसने, तो मैं पांचवें वाले से मैं ऐसे कूद जाती हूँ। ऑब्वियसली हार्नेस पहना था मैंने, बट वो रियल वहाँ पे हार्नेस उसने उन्होंने हटा दिया था एडिट करके। बट या और एक सीन था जहाँ से मैं ऐसे बीच समुंदर से उठ के आ रही हूँ, बहुत सारे बोल्डर्स थे, बहुत ज़्यादा हेवी वेव्स थे, तो इट वाज लाइक कोई लाइफ गार्ड नहीं था वहाँ पे। तो मैं भगवान भरोसे चली गई थी। मैं था ना, मैं बचा लेता था। जब ये सीन हो रहा था मैं था, मैं थोड़ा दूर बैठा था। अच्छा, कुछ भी होगा, ये रुक जा, अब आ रहा हूँ मैं। टाइटल से मालूम पड़ता है कि बेकाबू कहीं ना कहीं मार दौड़, भाग दौड़, उठा पटक की कहानी। जी हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ज़्यादा उठक पटक, मार धाड़ है इसमें, क्योंकि एक्शन है, थ्रिलर है, मोहब्बत है, रोमांस है, डांस है, और मैं बाइक भी चला रहा हूँ इसमें। भिंडी बाजार का हूँ तो थोड़ी बहुत बाइक तो बनती है। सो आपने देखा होगा बाइक पे भी एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, बहुत मज़ा आया था, व्हीली व्हीली सब हो रहा है। नो फियर नो शाय भाई। मैं मुंबई की, आप भाई तो नहीं कह सकते, क्या बने आप उधर? नहीं, मैं इसमें कियान एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आदमी है, पर बिकॉज मैं बचपन से बाइक चलाते आए हूँ, तो बाइक का मैंने बहुत सालों के बाद, जैसे नाम शबाना वगैरह में छोटी छोटी बाइक सीक्वेंसेज है, इसमें बहुत ही कमाल की बाइक सीक्वेंस है, पूरा एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे पुलिस मुझे चेज कर रही है। सो यू विल रियली लाइक इट। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली अबाउट द बाइक। मुंबई की कहानी है मोरलेस, बॉम्बे मोरलेस। से हमने शूटिंग गोवा में किया है, पर वो झूठ है, वो बॉम्बे दिखा रहा है। भिंडी बाजार की बात आती है तो ये बातें देखा हूं तो
अपने आप ही आ जाती है कि रात को स्टंट करना, गाड़ियां लेके निकल जाते हैं लड़के, आज देखते हैं ये पर बिल्कुल भी इंस्पायर्ड मत होना इसके मतलब। अगर ये जो भी कर रहा है, इट्स ऑल अंडर विद लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ स्टंट्समैन आर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, लॉट ऑफ टेक्निकलिटी थिंग्स आर देयर। बहुत टाइम पे हम खुद चला भी नहीं रहे, वो व्हीली के ऊपर करते, तो डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय दैट, डोंट हैव टू ट्राई एट होम एंड डोंट इवन थिंक दैट यू आर शूटिंग। शूटिंग में बहुत कुछ चीजें पीछे होती है, सो डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय देम, जस्ट से कूदना भी मत बिल्डिंग से। देखो ना, हार्नेस पहनने के बाद वहाँ पे लिटरली 20 लोग थे टू मेक श्योर दैट आई डोंट डाई। सो हम लोग बहुत सारे प्रोटेक्शन लेके ये सारी चीज़ें करते हैं, सो डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड डोंट डू ऑल ऑफ दिस स्टंट्स एट होम। सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आंटी की बात सुनो, मैडम की बात सुनो, मैडम की बात। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे ना अभी जो छोटे होंगे, क्या बोलेंगे तुमको? मेरे को मुझे बहुत मजा आया जब मैं बाइक चला रहा था बीच के ऊपर। कौन सी बाइक? एक बुलेट नहीं, बुलेट नहीं थी कोई, तो इट्स ऑफ रोड टाइप की बाइक थी। हाँ, ये था क्या कहते हैं अपना, डर्ट बाइक था, नॉट डर्ट बाइक, इट वाज लाइक अ स्ट्रीट ऑफ रोडर थी। कब? जब तू बीच पे गाड़ी चला रहा था, याद नहीं तुम मुझे और मेसबाह को एक एक करके राउंड देना था। तो बेसिकली उनको सीन, इन लोगों को सीन में चांस नहीं मिला, तो इनको सबको मैं एक 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 राउंड दिला रहा था, सारे बच्चों को मैं घुमा रहा था वहाँ पे बीच पे। और मैंने लाइफ में ना कभी बीच पे बाइक नहीं चलाई थी, सो बहुत मजा आया बाइक। अगर आप लाइक अ गुड बाइक, तो फॉर मी दैट वाज अ रोमांचक चीज थी करने को। धमाकेदार और बदले की कहानी है। तुमने मेरी बैंड बजाई, मैं तुम्हारी बजाऊंगा। धमाकेदार बोल दिया, मैंने पहले ही बोल दिया था। एक लाइन, एक वर्ड में, एक वर्ड में। देखो, ओल्ड पाला जी की वेब सीरीज हो और रोमांस सीन ना हो, कोई भी ऐसा बोल्ड सीन ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो नहीं, नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे शोज हैं जिसमें रोमांस, आई मीन कोई बोल्ड सीन है। यहां पे तो है, ऑफ कोर्स बोल्ड सीन है कुछ। हां हां है ना, भरभर के। किसने फिल्माए आपकी टीम में? मेरी शुभा के साथ सीन्स हैं जो आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं। कितना? हाँ, मैं किस कर रही हूँ, उन्हें स्मूच कर रही हूँ। पहली बार मैंने किसी लड़की को स्मूच किया। अरे बड़े सब्जी में आ गए, क्या बात है भाई। मुझे बड़ी शर्म आती है यार। मैं बड़ा शर्मीला हूँ, मैं बहुत शर्मीला हूँ यार। कितना शर्मीला? मैं इतना शर्मीला हूँ कि मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, भाग जाता हूँ। मैं तो कुछ चीजें मुझे जब कुछ कोई भी टाइप के लोग या औरतें को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए औरतों के हित में। मैं हमेशा घुस जाता हूँ हर चीज में। जैसे अगर कभी भी मैं कुछ ऑफ शोल्डर कपड़े पहनती थी या कुछ भी ऐसे बैकलेस कपड़े पहनती थी, अपना जैकेट उतार के प्लीज कपड़े पहन ले, मैंने बोला पर ये स्टाइल है, बोले नहीं है कपड़े पहन, इसको कोई कपड़े पहनाओ, तो हमेशा ये करता था। हाँ, मेरा बस चले तो अभी भी मैं अपना जैकेट उतार के उसे पहना दूँ। पहले शो कौन सा था आपका, सबसे पहले शो की बात करें? मेरी पहली पिक्चर थी कुर्बान करके, एक पिक्चर थी जिसमें वो टेररिस्ट बना था और प्लेन उड़ा देता है, जिसमें मैं प्लेन आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुर्बान से लेके यहां तक की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिनोमिनल भाई, मैं आई एम लिविंग अ ड्रीम। भिंडी बाजार से उठाऊ और आज जो मेरे स्टॉलवर्ट जो आइकन्स हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, करण जौहर साहब हो गए, एकता कपूर हो गई, आदित्य चोपड़ा साहब हो गए, इनके साथ काम कर चुका हूँ, बहुत मजा आ रहा है। आई डोंट थिंक लाइफ कैन गेट बेटर। मेरे अब्बा की मिठाई की दुकान है, शब्बीर तवक्कल स्वीट्स, आइएगा, रमजान आ रहा है, सबको खिलाता हूँ अपने हाथों से। मैं तो रमजान के टाइम पे इसके घर पे शिफ्ट हो रही हूं। आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था? उस हिसाब से कैलकटा में था जो था, बट बॉम्बे में मेरा पहला शो था स्टार प्लस के लिए, सुहानी सी एक लड़की, वो मेरा पहला शो था, एकदम घर मतलब सास बहू टाइप का, जहाँ पे मुझे पूरे कपड़े मिलते थे। मुझे वो करना चाहिए था। हाँ, तो वो मेरा पहला शो था, पहला वेब शो। दिल ही तो है एंड बारिश, वो दोनों साथ में रिलीज हुआ था, तो वो दोनों मेरे पहले वेब सीरीज थे। सो फॉर मी वर्किंग विद एकता, इट्स लाइक आई एम होम अगेन। लाइक बालाजी के साथ काम करना मुझे हमेशा से लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। सो इट्स लाइक दे आर लाइक माई फैमिली, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम अगेन। बालाजी इज ऑलवेज अ प्रिवलेज टू वर्क, आई एम सो कम्फर्टेबल विद दिस प्रोडक्शन हाउस, विद एवरी वन, इवन द मेक। Balaji has one thing that I have to tell you, they are so creative, they're so liberal, and they
ऑलवेज प्रेज वुमेन लाइक विद बालाजी आई हैव सीन वन थिंग बालाजी के आपके आप टॉप लेवल पे जो जो है ना दे ऑल मोस्टली दे आर वुमेन That's what I like about them. That's what I like about them. Shobha aunty, they are the creators of Balaji. Yeah. जी देखिए 5 साल से acting कर रहा हूँ मैं properly निशा उसके cousin से और मैं हमेशा से एकता से एकता के साथ काम करना चाहता था. I find her very endearing, very sweet, very cute. और there is no way I would have let gone this. In fact मेरे इसलिए it was like a gun on my head. And Sunanda went out of her way to make sure मेरी डेटे वेटे सब निकल जाए. So I'm very very happy and it's a big honor actually. To work people जिन इन लोगों के सपने देखा करता था मैं कि एक दिन के साथ काम करने को का मौका मिले and to be a part of it is amazing thank you एकता and thank you बालाजी ठीक है सर जाते बॉलीवुड स्पाई के दर्शकों को होली की शुभकामनाएं और कैसे होली सेलिब्रेशन रहेगा इस बार होली की सेलिब्रेशन हम कर नहीं रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली कोविड है तो होली एक ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना पड़ता है सो सोशल नॉट इन दैट वे लाइक यू ऐसे लगाते हो ना सो यू टचिंग ईच अदर सो होली इज अ वेरी लाइक वन ऑफ दोज सेलिब्रेशन दैट आप एक दूसरे के करीब ना जाके नहीं कर पाओगे सो दिस ईयर आई एम सैक्रिफाइसिंग माई होली घर पे रहूँगी पुराने चीज़ें याद करके शायद मैं होली से वैसे मन में होली सेलिब्रेट करूँगी पर वैसे नहीं बट होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं घर पे रहिए अपने अपने फैमिली के साथ अगर हो सके तो थोड़ी बहुत आप होली मना सकते हैं बहुत सारे खाना बनाइए जलेबी बनाइए घर पे पूरियाँ तलिए और होली इज़ फॉर मी आई थिंक दिस ईयर आई एम गोना गो विथ ऑल माय फेवरेट होली फूड आई एम नॉट गोइंग आउट नॉट प्लेइंग होली बट आई थिंक आई एम नॉट गोना सैक्रीफाइस माई फूड सो दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट फूड हेलो एवरीबॉडी मैं उतायश शब्बीर और बॉलीवुड स्पाई के सारे दर्शकों के लिए मैं बहुत ही हैप्पी होली कहना चाहूँगा हालांकि मैं होली खेलता नहीं हूँ रंग से और पानी बचाता हूँ हमेशा बट हैविंग सेड दैट होली बहुत ही ब्यूटीफुल त्यौहार है मैं दिए जलाता हूँ और थोड़ा बहुत ऐसा रंग लगा देता हूँ किसी पे आप लोग भी पानी बचाइएगा बी वेरी केयरफुल बिकॉज कोविड अभी है जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है मास्क पहन के अगर खेलना चाहे तो खेलिएगा बट प्लीज़ बी सेफ प्लीज़ बी योर फैमिली आई लव यू नमस्ते मैं हूँ पौलमी दास आज बॉलीवुड स्पाई के साथ मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलना चाहूँगी इस साल मैं होली नहीं मना रही हूँ पर इस साल मैं होली खानों के साथ मनाऊँगी रंगों के साथ नहीं प्लीज़ सेफ रहिए कोविड अभी भी है इवन आप अगर आपको वैक्सीन मिल चुका है ये कहना है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी शायद चांसेस है आपको कोविड वायरस आ जाए सो प्लीज़ बी श्योर होली हर साल आता है हम हर साल मना सकते हैं लेकिन इस साल हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर जाके होली ना मनाएं घर पे रहे घर पे अगर आपकी फैमिली के साथ मनाना तो कर सकते हैं एक साल होने वाला है और लॉकडाउन को 18 से हमारा काम बंद हुआ था और 23 से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ इस बार आप बाहर जाके होली ना मनाएं पानी बचाएं अपने आप को बचाएं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं